नमस्कार, मैं शिवांश शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 23 वर्षीय पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। मुंबई में आज नहीं हुआ टीकाकरण, बीएमसी ने ट्वीट कर दी थी जानकारी। बीएमसी ने ट्वीट में कहा कि रविवार को टीकाकरण नहीं होगा, सोमवार के लिए सुबह आदेश जारी होगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जनपद के डीएम रणवीर शर्मा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। एक युवक को थप्पड़ जड़, उसका तोड़ा था मोबाइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने आंशिक लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया। दिल्ली में टीके का अभाव में 18 प्लस लोगों का टीकाकरण हुआ प्रभावित। केजरीवाल ने केंद्र से अपील की है कि दिल्ली को जल्द से जल्द टीका मुहैया कराए सरकार। यास तूफान से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह एवं उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। तूफान से निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। यूएई में हो सकते हैं आईपीएल के बचे सारे मैच। 29 मई को होने वाली बैठक में हो सकता है फैसला। टूलकिट मामले में सांबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रायपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए जारी किया नोटिस। 11 दिन के भीषण युद्ध के बाद इसराइल और हमास के बीच सीज फायर समझौता लागू। भारत में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2,50,000 से कम मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 2,40,000 मामले आए सामने और 3,741 लोगों की हुई मौत। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सरस न्यूज के साथ। धन्यवाद।